हेलो एवरीवन, सो सी यू टी के द कॉलेज रियलिटी शो के अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, जिसका भी नाम जोर शोर से छाया हुआ है बिकॉज दिस इज पार्टिसिपेट इन सी यू टी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड दिस इज एन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, देन कैंपस प्लेसमेंट की, देन स्टूडेंट लाइफ की, देन ऑल ओवर द कॉलेज के बारे में, एंड फिर उसको हम मार्क्स प्रोवाइड करेंगे कि कितनी रेटिंग हम इसको देने वाले हैं, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट नॉर्मल एंड आप गुड समझ सकते हो, दिस इज नॉट एक्सीलेंट एंड बेड एंड अदर, दिस इज ऑलमोस्ट नॉर्मल इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। देन जो है हम अगर इसकी फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी इज ऑलमोस्ट जो है गुड भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, वेरी बैड भी नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक आप मान के चल सकते हो। कुछ कुछ फैकल्टीज अच्छी है, कुछ बुरी है, लेकिन जो है कुछ ठीक भी नहीं है, ठीक है। एंड द टीचिंग क्वालिटी इज गुड एंड टीचर्स आर ऑलमोस्ट नॉलेजेबल, नॉट फॉर ऑल, ठीक है, सारे नॉलेजेबल नहीं है। एंड जस्ट जो है कुछ कुछ टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं जिससे जो बच्चों को इंडस्ट्री के लायक बनाया जा सकता है। एंड द एग्जाम पैटर्न इज सेमेस्टर टाइप एंड टीचर का जो मेन मोटिव होता है कि मेरा सिलेबस ख़त्म, एकेडमिक सिलेबस ख़त्म, बात ख़त्म, टाटा बाय बाय, ओके। एंड एग्जाम आर वेरी मच डिफिकल्ट एंड द पासिंग परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इज एटलीस्ट 80% एंड दिस करिकुलम इज रेलिवेंट टू द IT इंडस्ट्री, ठीक है। एंड अगर अपन इसके बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट बेड कंडीशन, ठीक है। एंड जो है यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है बहुत ही कम होता है और जस्ट प्लेसमेंट इज वेरी बैड। एंड जो प्लेसमेंट होता है दिस इज ओनली फॉर योर करीम स्टूडेंट्स, जो भी करीम स्टूडेंट होते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉलेज के जो है कब ये कॉलेज ओपन हुआ है। तो यार दिस इज एन न्यू टाइप कॉलेज, 2012-13 के अंदर कॉलेज ओपन हुआ है एंड इसके पास UGC एंड अदर कुछ अप्रूवल आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉलेज बेसिकली सिचुएटेड है जयपुर, राजस्थान, पिंक सिटी, ओके। एंड आपने आई थिंक पहले इस कॉलेज का नाम सुना नहीं होगा बिकॉज ये जो है छुपा रुस्तम कॉलेज है, छुपे रहते हैं। इस बार लोगों को पता चला इसके बारे में कि ऐसे भी कोई कॉलेज होते हैं क्या जिन्होंने डायरेक्टली CUET के अंदर पार्टिसिपेट कर डाला और ओए क्या हो गया, मज़ा आ गया है। तो जस्ट यार कॉलेज वालों तुम ऐसा बिल्कुल ना समझो कि बच्चे ऐसे ही तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है। हम जैसे लोग जो है बताते रहेंगे तुम लोगों को और रेंगते रहेंगे तुम्हारी रियलिटी लोगों के सामने, ओके। एंड यार बेसिकली फैकल्टी की अपन बात करें तो फैकल्टी इज ऑलमोस्ट गुड एंड आप गुड मान के चल सकते हो, राइट। कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि दो दो जो है एक एक टीचर तीन तीन चार चार सब्जेक्ट हमें पढ़ा रहा होता है, वही टीचर फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाता है, वही थर्ड सेमेस्टर को पढ़ाता है, तो दिस इज़ वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सारा का सारा इश्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में भी देखने को मिल रहा है, लेक्चर बेसिस पे टीचर्स को रखा जा रहा है एंड रेगुलर टीचर को नहीं रखा जा रहा है, टेम्परेरी टीचर्स को रखा जा रहा है। एंड जस्ट और अगर अपन बात करें जस्ट जो है हॉस्टल फैसिलिटी इज अवेलेबल बट मेस फूड इज़ वेरी बैड एंड द स्पीड ऑफ द इंटरनेट इज़ वेरी नॉर्मल एंड देर आर स्पेसियस रूम्स एंड द कैंपस इज लस ग्रीन, हरियाली एकदम। प्राइवेट में फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि एकदम चारों ओर एकदम लस ग्रीन हरियाली कैंपस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शीशे लगे हुए, पेरेंट्स वगैरह के साथ बच्चे विजिट करते हैं देन उनका जो है मन मोह लग जाता है कि आए हाय क्या बिल्डिंग मिली है, रह लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है आपको। एंड जस्ट स्टूडेंट्स कैन स्टे एंड एन्जॉय देयर लाइफ एंड हॉस्टल इज सेफ एंड गुड फॉर बोथ एंड गर्ल्स एंड बॉयज, ओके। प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिस प्लेसमेंट इज ओनली फॉर जस्ट इसके लिए होता है ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर अपन सिविल एंड अदर के लिए आप एवरेज प्लेसमेंट मान के चल सकते हो। एवरेज प्लेसमेंट की अगर यहाँ की अपन बात करें तो 3 से 3.5 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ से जाता है। मैक्सिमम प्लेसमेंट की मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। एंड जस्ट जो है आगे अपन कुछ अगर स्टूडेंट्स के रिव्यूज की बात करें तो क्या कहा है कुछ स्टूडेंट्स ने, तो जस्ट जो है कॉलेज इज गुड फॉर जस्ट लाइक वो परचूइंग जस्ट लाइक कोर्सेस इन MTech एंड वाइल वर्किंग, ठीक है, एंड इन दिस बैचेस। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है बुरा भी कहा है कि दिस इज़ वेरी बैड, द कॉलेज सीम्स टू बी सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी ऑफ जयपुर
इन द कोई विलेज है, ठीक है, व्हेन इट कम टू कॉलेज एंड स्टडी पैटर्न फॉलोड। यार बेसिकली जो है सिटी से दूर है कॉलेज, स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है, लोकेशन इज वेरी बैड एंड जस्ट जो है अगर अपन इसके पिछले साल कुछ सालों की जर्नी की अगर अपन बात करें तो कॉलेज इज इम्प्रूविंग हर ईयर, ठीक है। जैसे 2018 में जो इसकी कंडीशन थी एंड 2019 में जो कंडीशन थी, 2020 में जो कंडीशन थी, 2021 में जो कंडीशन थी, 2022 में जो कंडीशन है, दिस इज रियली जस्ट लाइक कि आप मान के चल सकते हो कि अपग्रेडेड वर्जन आप मान सकते हो। यानी पहले फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, कम प्लेसमेंट होता था, लेकिन ये जो इन फ्यूचर जो है अपने आप को ठीक करता जा रहा है वैसे, ठीक है। एंड ये जो प्राइवेट कॉलेज है तो आप इसके ऊपर जस्ट गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं, देन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको ये खींचने की कोशिश करते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट गुड एंड जस्ट लाइक फैकल्टी इज गुड, प्लेसमेंट इज बैड, ठीक है, प्लेसमेंट इज वेरी बैड। अगर यहाँ पे कुछ अपन मेजर कंपनीज की बात करें तो जैसे IBM है, TCS है, सिक्वोया है, IIBM है, तो ऐसी ऐसी कुछ कंपनीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको इनकी वेबसाइट्स पे, ठीक है। रियल की तो मैं बात नहीं कर सकता कि रियल में मिलती है कि नहीं, लेकिन वेबसाइट पे जो है आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। एंड जस्ट लाइक द कॉलेज नीड्स टू वर्क मोर ऑन कैंपस एंड को करिकुलम एक्टिविटीज एंड दस लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज कुड हैव बीन बेटर, फैकल्टी मेम्बर्स आर ऑलमोस्ट क्वालिफाइड एंड जस्ट लाइक प्लेसमेंट देर आर नो सच थिंग रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर प्रोग्राम एंड अदर ट्राइब सो। एंड कंप्यूटर साइंस का तो आई थिंक गुड प्लेसमेंट होता ही होगा, ठीक है। तो अगर अपन इसको ओवरऑल रेटिंग दें 10 आउट ऑफ, तो हम इसको जो है 4 मार्क्स देंगे, 10 आउट ऑफ 10 में से हम इसको 4 मार्क्स देते हैं इसकी करतूतों की वजह से, या फिर इसके जो भी काम करती है यूनिवर्सिटी पढ़ाती है नहीं पढ़ाती, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन जो मेरे को जो फीडबैक मिले हैं उसके हिसाब से हम इसको 10 आउट ऑफ 4 मार्क्स देंगे। और जस्ट लाइक शहर से थोड़ा सा दूर है लेकिन ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कॉलेज में जाके विजिट करके देख सकते हैं, अपने सीनियर भैया से जाके मिलिए, देन फिर जो है आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एडमिशन लीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर टाटा बाय बाय, ठीक है गाइस, खूब पढ़ते रहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा मिशन जो है टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज प्रोसेस इज ऑलरेडी रनिंग, तो उसके लिए आप जो है नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।